हाँ, देश की राजनीति में पोस्टर वॉर नई बात तो नहीं है। अब एक बार फिर इस मसले पर सियासी घमासान छिड़ गया है। मामला देश की राजधानी दिल्ली का है, जहां पहले तो पीएम मोदी के खिलाफ शहर भर में पोस्टर लगाए गए थे, अब दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के खिलाफ लगाए गए हैं। इस पोस्टर में केजरीवाल की तस्वीर है, जिसमें नारा लिखा गया है, अरविंद केजरीवाल हटाओ दिल्ली बचाओ। साथ ही इसमें केजरीवाल को तानाशाह बताया गया है। पोस्टर में निवेदक के तौर पर भाजपा नेता मनजिंदर सिरसा का नाम भी लिखा है। इससे पहले पीएम मोदी के खिलाफ पोस्टर लगाए जाने के मामले में 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया था, जिसमें 2 प्रिंटिंग प्रेस के मालिक भी शामिल हैं। उस वक्त केजरीवाल ने पोस्टर लगाए जाने के मसले पर कार्रवाई को लेकर सवाल खड़े किए थे। अपने खिलाफ लगाए गए पोस्टर पर भी केजरीवाल का बयान सामने आया है। उन्होंने ट्वीट कर कहा है कि जनतंत्र में नेता के पक्ष में या खिलाफ विचार रखने का अधिकार है, उन्हें अपने खिलाफ पोस्टर के लगाए जाने पर ऐतराज नहीं है। अब सवाल यह उठता है कि आखिरकार मोदी के खिलाफ लगाए गए पोस्टर को लेकर कार्रवाई किस आधार पर की गई थी। दरअसल प्रावधानों के मुताबिक हर पोस्टर बैनर पर मुद्रक और प्रकाशक से संबंधित जानकारी दर्ज होनी चाहिए। ऐसे में पब्लिक प्रॉपर्टी डिफेंसमेंट एक्ट के तहत इस मामले में 159 प्राथमिकी दर्ज की गई हैं। इसमें 49 FIR प्रधानमंत्री मोदी की आलोचना करने वाले पोस्टर को लेकर